गाइस वेलकम टू शाइना किचन एंड यू आर वाचिंग आज की डिलीशियस रेसिपी के मामी सेवई। वाह व्हाट अ डिलीशियस रेसिपी इज दिस। जब भी खाइए जब भी बनाइए इसका टेस्ट उम्दा ही आता है और इसके लिए किसी मौके की जरूरत नहीं है। पहले तो हम ईद बकरीद में ही बनाया करते थे पर अब रहा नहीं जाता, बीच बीच में भी मैं बना लेती हूँ। सो जरूर टेस्ट कीजिए ये किमामी सेवई, देखिए कितना लजीज लग रहा है और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही उम्दा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किमामी सेवई कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स मैं आप ही सबके डिमांड को रखते हुए मैं आज बनाने जा रही हूँ किमामी सेवई। और इस सेवई को बनाने के लिए मैंने ये लिया है ये बारीक वाली सेवई, जिसको मैंने डेढ़ ग्लास के करीब लिया है और ये ऑलरेडी रोस्टेड है, फिर भी मैं इसको घी में फिर से फ्राई करूंगी सो दैट इसका कलर और ज्यादा अच्छा हो जाए और इसमें घी इन्फ्यूज हो सके। सो ये है मेरा डेढ़ कप किमामी सेवई। और इस सेवई को बनाने के लिए मुझे चाहिए शक्कर और ड्राई फ्रूट्स। तो शक्कर मैं जो ले रही हूँ डेढ़ कप, तो मैंने किमामी सेवई लिया था तो डेढ़ कप से कम समझ लीजिए एक कप और बस जरा सा 100 ग्राम के करीब मैंने ये शुगर लिया है। इसका मैं शुगर सिरप बनाऊंगी। और ये है गड़ी जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये कुछ मखाने हैं, ये इन मखानों को भी मैं घी में रोस्ट करूंगी। उसके बाद जो मैं ड्राई फ्रूट्स में डाल रही हूँ किशमिश, ये है काजू, ये चिरौंजी के बीज, ये पम्पकिन सीड्स, ये है बादाम और ये है कुटी हुई इलायची। इन सबको आप अपने अंदाज से कम ज्यादा डाल सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है कि कम ही डालना है ज्यादा डालना, आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। यूज कर रही हूँ 150 ml दूध और इस दूध को डालने का रीजन ये है कि सेवइयों को बहुत अच्छा सॉफ्ट कर देते हैं, उसके बाद जब चाशनी डलती है तो उसका स्वाद और भी निखर कर आता है। सो मैं यूज कर रही हूँ 150 ml दूध और उसके साथ मैं यूज कर रही हूँ घर की बनी हुई देसी घी। सो देसी घी का अपना ही स्वाद होता है और साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। सो देसी घी इज अ गुड एड फॉर रिड्यूसिंग वेट। सो तेल खाने से अच्छा है कि आप देसी घी जरूर खाएं। सो मैं ये देसी घी मैंने घर पे ही बनाया है, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी सो दैट आप बाहर का घी ना खाकर घर का ही देसी घी इस्तेमाल करें। मुझे सेवइयों को भूनना है, उससे पहले मैं अपनी चाशनी तैयार कर लेती हूँ। जितनी चीनी होगी उतने ही मैं पानी डालूंगी। ये पानी ये देखिए, तो ऐसे क्या होता है कि काम जल्दी जल्दी हो जाएगा जब तक ये चाशनी होगा। मैं साथ में सेवइयों को भी भून लूंगी। मैंने चाशनी चढ़ा दिया है होने के लिए एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं क्या करूंगी कि मैं अपनी सेवइयों को घी में फ्राई करूंगी। तो जब तक ये चाशनी होता है मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। ये मैंने देखिए घी ले लिया है और घी की क्वांटिटी कम से कम 2 बड़े स्पून्स हैं। और जैसे ही घी होता है मैं सेवइयों को डाल दूंगी। मैं
घी में सेवइयों को बराबर से मिक्स करूंगी सो दैट घी चारों तरफ से कोट हो जाए सेवइयों में। घी का बहुत ज्यादा काम है कुमामी सेवई में, घी अच्छा खासा करता है तब जाके टेस्ट इसका अच्छा निखर कर आता है। ये देखिए चाहे सेवइयां बाहर की ही भुनी क्यों ना हो, फिर भी हमें घर में ना एक बार घी के साथ भुनना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि सेवइयां अच्छी बनती हैं। कभी क्या होता है कि बाहर की भुनी हुई सेवइयां उतनी अच्छे से भुनी होती नहीं है और जब बनाओ तो वो चिपचिपी होने लगती है, तो हम इन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए घर में भी बराबर से घी डालकर भूनते हैं सो दैट ये अच्छे से बनकर आए। और ये गाइस बार बार बनाने की चीज तो है नहीं, तो इसीलिए हमें बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए सो दैट जब बने तो अच्छा ही बने। ये देखिए गाइस मैंने सेवइयों को भून लिया है, ये अच्छे से घी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। और पहचानने का तरीका ये है कि ये देखिए कलर चेंज हो गया है एक तो, और साथ में ये ज्यादा फैले हुए नहीं लग रहे। जब रोस्ट हो जाता है तब ये अच्छे से जज हो जाते हैं और घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब देखिए ये पूरा अच्छे से सेवइयां फ्राई हो चुकी हैं। अब क्योंकि मैं ये झटपट रेसिपी बना रही हूँ इसलिए मैं नहीं चाहती कि ज्यादा आपके बर्तन गंदे हों या आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़े, तो मैं क्या करूंगी इसी में एक तरफ सेवइयों को किनारे किनारे कर लूंगी ताकि फर्दर ये ओवर कुक ना हो। तो यहाँ पे मैं घी फिर से डालूंगी और अपने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा घी में ही रोस्ट करूंगी। ये देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा था ये रेसिपी में घी अच्छे से पड़ता है तब जाके इसका टेस्ट आता है। सबसे पहले मैं डालूंगी अपने मखानों को, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लगाते हैं इसलिए पहले मैं मखाने फ्राई करूंगी। ये देखिए गाइस जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं किशमिश को डालूंगी। ये हो रहे हैं, ये देखिए गाइस मेरे मखाने तकरीबन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं अपने नारियल को डाल रही हूँ, नारियल थोड़ा सा रोस्ट हो रहा है जब तक मैं बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल दूंगी। ये देखिए और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ड्राई फ्रूट्स को घी में थोड़ा सा फ्राई कर लें, क्योंकि ना ये जब एब्जॉर्ब करते हैं घी में इसमें सोनी सोनी सी खुशबू आती है, तो थोड़ा सा तो वक्त निकालना ही पड़ता है अगर आप अच्छी चीज बनाना चाहते हैं। हर चीज फट से नहीं बनती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू कुकिंग इज एन आर्ट, सो आर्ट को तसल्ली और इत्मीनान से बनाया जाता है, तो थोड़ा सा तसल्ली रखें। ये देखिए किशमिश मेरे फूल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये मेरे फ्राई हो गए हैं किशमिश। अब मैं बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी डाल दूंगी, ये मेरे काजू हो गए, चिरौंजी हो गया, सीड्स हो गए और बहुत इम्पोर्टेंट मेरे इलायची के दाने। ये मैंने कूट के डाला है ताकि मुंह में ज्यादा ना आए, जब ज्यादा छिलके मुंह में आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने ये कूट के डाला है। ये देखिए तो ड्राई फ्रूट्स तो हो गए हैं दोस्तों। अब मैं क्या करूंगी इन सबको सेवइयों के साथ एक बार मिक्स करूंगी। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, मैं बता दूं घी तो होता ही है जायकेदार और जब किसी चीज में डल जाए तो उसका स्वाद डबल कर देता है। ये देखिए हर चीज अच्छे से मिक्स हो गया है, फ्राई हो गया है। अब मैं इसी टाइम पे डालूंगी मिल्क। मिल्क डालने से ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगी कि सारा अच्छे से
मिल्क को अब्सॉर्ब कर ले, सारी सेवइयां मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये पूरा अच्छे से हो जाएगा, जब दूध सूखेगा, तब मैं इसमें चाशनी डालूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो रहा है और मिल्क बहुत जल्दी ही अब्सॉर्ब हो जाता है। ये देखिए सेवइयां भी मेरी सॉफ्ट हो रही हैं, और सॉफ्ट होने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब ये चुभने लगता है, करारे टेस्ट अच्छे नहीं लगते कि मामी के, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसे मिल्क से सॉफ्ट कर लें, क्योंकि चाशनी से ये सॉफ्ट नहीं होता है, ये एज इट इज रह जाता है। तो ये देखिए मेरे हो गए हैं तकरीबन हाफ कुक। उसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें चाशनी। चाशनी भी मेरा हो गया है, मुझे दो तार एक तार ऐसी चाशनी नहीं बनानी है। इट्स ऑलरेडी, क्योंकि दो तार वगैरह करने से ये सख्त हो जाता है। तो ये इज जस्ट ए शुगर सिरप, तो ये सिरप के फॉर्म में ही मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा शुगर सिरप तैयार है। अब मैं धीरे धीरे इसमें मिक्स करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए और अब्सॉर्ब करे अच्छे से। ये देखिए सिरप डाल के मैं सेवइयों को थोड़ी देर ढक कर छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो और कुक अच्छे से हो जाए। पकी हुई चीज ही अच्छी लगती है, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम ही लगे, ओवर कुक नहीं होना चाहिए, बट प्रॉपरली कुक होना बहुत जरूरी है। ये देखिए सो गाइस, मेरी सेवइयां तैयार हो गई हैं। अब देख सकते हैं ऊपर से घी भी दिख रहा है, शुगर एब्जॉर्ब हो गया है। ये देखिए घी, ये घी है। तो जब घी पड़ती है अच्छे से, तभी जाके किमामी सेवई अच्छी बनती है। किमामी का मतलब ही होता है किमाम, शुगर भी अच्छा क्वांटिटी में डलता है और घी भी अच्छी क्वांटिटी में। और सॉरी गाइज, मैं बताना भूल गई थी, मैं इसमें खोया भी डालने वाली हूँ। तो मैंने 150 ग्राम के करीब खोया ग्रेट कर लिया है। ये देखिए मैं खोया इसमें डाल रही हूँ। ये इसमें मैं मिक्स करूंगी और कुछ मैं रख लूंगी डेकोरेशन के लिए। सो ये देखिए, अब मैं गैस इस टाइम पे कर देती हूँ बंद। अब इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ूंगी। बंद करके 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए खोया इसमें मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इस मोमेंट में मैं डालूंगी थोड़ा सा वेनिला एसेंस। आप सरप्राइज हो रहे होंगे, वेनिला एसेंस? लोग तो रोज वाटर डालते हैं, केवड़ा डालते हैं, मैं वेनिला डाल रही हूँ। तो हाँ, मैं वेनिला ही डालती हूँ क्योंकि मुझे वेनिला इसमें बहुत ज्यादा पसंद है। और एक बार ट्राई करके देखिए, मेरे कहने से इसमें बिल्कुल मिठाइयों वाला टेस्ट आता है। आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, आप जरूर डाल के देखिए। तो मैंने वेनिला एसेंस डाल दिया है इसमें और मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी और मैं फिर 2 मिनट में इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करूंगी। सो मेरी किमामी सेवई तैयार है। अब ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लिया है। ये देखिए गाइस, बहुत ही उम्दा, लजीज, माउथ वाटरिंग, डिलीशियस किमामी सेवई जरूर बनाइए और मुझे फीडबैक शेयर कीजिए कि आपने कैसा बनाया। और फॉर एनी कंसर्न आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट आई कैन रिप्लाई। एंड अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए सो दैट मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी पहले आपको दिखे. थैंक यू सो मच.